नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्रिक्स बाय अंकित छाबड़ा में। आज का हमारा टॉपिक है एच लुकअप। हम सभी ने वी लुकअप यूज किया है और बहुत जगह करते हैं, ठीक है, बट आज हम सीखेंगे कि एच लुकअप का हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं और एच लुकअप हमें क्यों रिक्वायर्ड है, राइट। वी लुकअप का यूज करने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो वर्टिकली होते हैं, मींस जो वी लुकअप जो वर्क करता है वो वर्टिकली डेटा पे वर्क करता है एंड जो एच लुकअप है वो हॉरिजॉन्टल डेटा पे वर्क करता है। लाइक यहाँ पे मैंने जो है कुछ ये मेरी मेन शीट है, जिस शीट पे मेरे को अपनी मैनेजमेंट को मई मंथ का डेटा देना है, सेल का यूनिट ए एंड यूनिट बी का, ठीक है। यूनिट ए ने मेरे को जो डेटा दिया है वो वर्टिकली दिया है, राइट। बट यूनिट बी ने क्या किया है, लेट्स ज़ूम, हम ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो डेटा है ये इसने हमें डेटा हॉरिजॉन्टल दिया। हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या किया मैंने, इसको पे स्पेशल किया एंड देन ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रांसपोज करके एंड ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ऊपर यूनिट बी डेटा मेंशन कर दिया, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं कंट्रोल बी से, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। एंड यहां से कोई भी कलर ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यूनिट ए ने मेरे को जो डेटा दिया है वो वर्टिकली दिया है एंड यूनिट बी ने जो मेरे को डेटा दिया है वो हॉरिजॉन्टल दिया है। सो इस केस में हम अब वी लुकअप का यूज कहाँ करेंगे और एच लुकअप का यूज कहाँ करेंगे। वी नो कि हमारा जो वी लुकअप है वो वर्टिकली वर्क करता है और एच लुकअप हमारा हॉरिजॉन्टल वर्क करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वी लुकअप का यूज करेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, हेडलाइट्स, यानी हेडलाइट को सिलेक्ट किया A6 को, कॉमा, देन टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स रेंज, मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया हेडलाइट से लेके मीन्स E6 से G13 तक की रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अभी मुझे कौन से मंथ की सेल का डेटा देना है, मई मंथ का। मई मेरा कौन से जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया उसमें कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कॉमा 3 एंड देन कोमा 0 एग्जिट मैच के लिए, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। F2 से मैं फॉर्मूले को एडिट करूंगा एंड रेंज को फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के लिए F4 का यूज करेंगे, कंट्रोल सी शिफ्ट डाउन एरो से मैं इसको नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख रहे हो कि हेडलाइट की जो सेल है मेरी मई मंथ में 3000 रुपीज है वो आ गई है, चेन सेट की 10000 आ गई है, व्हील्स की 15000 आ गई है एंड ओवरऑल जो सेल है मेरी वो मई मंथ में यूनिट ए की 52600 आई है। 52600 आप देख रहे हैं आ गई है। अब बात आती है कि यूनिट बी का डेटा हम यहाँ पे कैसे ले, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे वी लुकअप का यूज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी लुकअप के लिए जो हमारे लुकअप वैल्यू है वो हमारी फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए और ये हमारा डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टल है। देन हम यहाँ पे एच लुकअप का यूज करेंगे। So, पे H lookup राइट ब्रैकेट स्टार्ट देन लुकअप वैल्यू हेडलाइट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिए देन कॉमा देन बोल रहे टेबल एरे। टेबल एरे ये वाला है मेरा, मैंने ये टेबल एरे मीन्स रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। वी लुकअप में हम क्या करते थे कि हमें जिस कॉलम का डेटा चाहिए था हम वो कॉलम नंबर प्रेस कर देते थे, ठीक है। यहां पे हमें किस रो का डेटा चाहिए वो रो नंबर प्रेस करना पड़ेगा। लाइक रो 1 में जो है मेरा पार्ट्स नेम, हेडलाइट एंड चेन सेट एंड पार्ट्स के नेम है, रो 2 में जो है मेरा वो अप्रैल मंथ की सेल है एंड रो 3 में मेरी जो है वो मई मंथ की सेल है। तो हम रिपोर्ट किस मंथ की बना रहे हैं, हम रिपोर्ट मई मंथ की बना रहे हैं, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कोमा 3, क्योंकि हमें मई मंथ का डेटा चाहिए, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। F2 से फॉर्मूला एडिट एंड F4 से रेंज को फ्रीज कर देंगे। मैं एक बार फिर से यूज करके दिखाता हूँ आपको, इज इक्वल टू H
लुक अप राइट ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने चेंज सेट को ले लिया है ठीक है, लुकअप वैल्यू एंड देन रेंज को लेना है, मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मुझे कॉलम सॉरी रो थर्ड का डेटा चाहिए, तो कोमा कोमा थ्री कोमा जीरो ब्रैकेट क्लोज। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया, मैं रेंज को फ्रीज कर लूंगा ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा लाइक हेडलाइट का रिजल्ट वर्टिकली भी आ गया एंड हॉरिजॉन्टल भी आ गया, क्योंकि हमने डेटा जो सेम लिया था। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यूनिट ए एंड यूनिट बी का जो रिवेन्यू फिगर्स थे वो मैंने सेम लिए थे। तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे सब सेम आ गया, चेन सेट का 10,000 रुपीज आ गया, चेन लो का 200 यूनिट ए एंड बी का, व्हील्स का यूनिट ए का 15,000, बी का 15,000, ओवरऑल सेल भी 52,600। सो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमारा व्ही लुकअप हम कहाँ यूज कर सकते हैं और एच लुकअप हम कहाँ यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।